कनेक्शन आपको क्या करने के लिए मजबूर कर सकता है? मेरी माने तो नोएडा से 1500 किलोमीटर दूर एक अनजान शहर तक जाना और वहां कुछ दिन बिताना और यादों का पिटारा लेकर साथ वापस आना। मगर पर सवाल पैदा होता है कि इतना सब कुछ आखिर क्यों? तो जवाब है ये कहानी। मेरी माने तो जितनी बड़ी मुसीबत उतनी ही यादगार ट्रिप, और एक ऐसी ही मुसीबत से पाला पड़ा जब तोंगलू लेक से नीचे आते आते कैश खत्म हो गया। If you are coming to this place, then you should have cash, because अपने पास कैश खत्म हो गया है और अभी जो चाय के पैसे दिए वो देखो क्या दिए हुए। फिर क्या, पर्स निकाली और छुट्टे जुगाड़े और सफर को आगे बढ़ाया। सो टिप नंबर वन, तोंगलू लेक से नीचे आते वक्त कैश साथ में लेकर आना, वरना मेरा वाला तरीका तो है ही। 21 दिनों का लॉकडाउन में कुछ करें ना करें, मगर आप मेरी कहानियां जरूर देख रहे हैं। मगर इससे भी इंटरेस्टिंग ये है कि कहानी में ट्विस्ट तब आया जब मुझे पता चला कि मैं इंडिया से नेपाल और नेपाल से इंडिया होके आ गया, वो भी चंद घंटों में। समझे नहीं ना, तो ये देखो आप। सो वापस उसी जगह पे आ गए, और अभी मेरे को बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ ये पता चली कि जो रास्ता था जहाँ पे मैं गया था उसके बीच में नेपाल पड़ता है, मतलब कि वी क्रॉस नेपाल बॉर्डर एज वेल एंड देन अगेन वेंट टू इंडिया, देन अगेन वी क्रॉस नेपाल आई केम टू इंडिया। सो दैट इज़ अ थिंग। और अभी जिस प्लेस में हूँ, इस प्लेस का नाम क्या है आंटी? अच्छा, वैली। Good. So understand, this is Nepal and this is India. So yeah, घूमते रटते पलटते कहीं से भी नेपाल पहुंच ही गए हैं। अच्छा लग रहा है यार, जब बॉर्डर क्रॉस करते हो तो आपको अच्छा लगता है, वो फीलिंग आती है ना दूसरी कंट्री वाली, वो वाली फीलिंग यहाँ पे आने लगी मुझे। दैट पॉइंट जो आपको दिख रहा है, ये जो पॉइंट है, ये अपना इंडिया है। अभी मैं नेपाल में खड़ा हुआ हूँ, और ये तो पीछे देखो, ये जो पीछे है, ये जो टाउन है स्मॉल ना, ये टाउन ना आधा इंडिया में है आधा नेपाल में है। आई थिंक दिस इज नेपाल एंड दिस इज इंडिया। तो यार यहाँ से निकलते हैं यार, क्योंकि हवा बहुत तेज़ चल रही है, टेम्परेचर माइनस में है, और अपने को दार्जिलिंग ही पहुँचना है, कहीं और भी जाना है। स्निग्धा ने बताया कि कहीं और भी लेके जाएगी मुझे, तो मुझे पता नहीं एग्जैक्टली। यहाँ से निकलते हैं और दिखाते हैं कि और क्या क्या देखा, बट यार हैप्पी टू सी कि राइट नाउ आई एम इन नेपाल। और दिन ख़त्म होते होते मैं पहुँच गया फिर से वही भूतिया होटल, इस तलाश में कि शायद आज तो भूत बाबा के दर्शन हो ही जाएंगे। हे गुड मॉर्निंग, दिस इज डे 3 एंड राइट नाउ आई एम एट दार्जिलिंग। भाई साहब, रात में तो क्या ठंड थी यहाँ पर, मतलब किसी तरीके से घुस के सो लिए हुए। सो आज का प्लान क्या है, कल तो नेपाल आराम से घूम लिया इंडिया नेपाल, पर आज का प्लान क्या है? आज इस निगाह से मेरी बात हुई है, उसने मेरे को बोला है कि फ्रेश हो जाओ अपने होटल में, उसके बाद मेरे होटल में आओ। एक्चुअली उसका होटल यहाँ से थोड़ा सा दूर है, क्योंकि वो पहले से स्टे कर रही थी, पहले नहीं थी जगह, तो इस वजह से वो किसी दूसरे होटल में। तो मैंने उसको बोला है कि अपना यार होटल का तुम अपना, क्योंकि मेरे को तो यहाँ का पता नहीं है दार्जिलिंग का कि भैया कहाँ पे क्या चीज़ है, तो मैंने उसको बोल रखा है कि अपना तुम यार मैप पे लोकेशन भेजो मेरे को, तो उसके बाद मैं फिर अकॉर्डिंग टू द लोकेशन तुम तक पहुँचता हूँ। शायद आज वो मेरे को लोकल दार्जिलिंग दिखाने वाली है, और लोकल दार्जिलिंग दिखाएगी। बहुत एक्साइटेड हूँ देखने के लिए कितना मज़ा आता है, और उसके बाद क्या प्लान है। इधर ये भी हो सकता है, मेरा फ्रेंड एक है वो मेरे को कॉल कर रहा है और बोल रहा है, वो भी कानपुर का है, और वो भी यहाँ पे घूम रहा है, मतलब वो भी गैंगटॉक पे है,
तो ही कॉल्ड मी यस्टरडे, ही वाज जस्ट टेलिंग मी कि भाई तेरे पास जूम लेंस है, प्लीज़ आ जा, यहाँ जूम लेंस की बहुत ज़रूरत है। तो देखते हैं क्या करते हैं। कभी कभी मेरे को लग रहा है मैं जाऊँ, कभी कभी लग रहा है मैं ना जाऊँ। तो पता नहीं समझ में आ रहा है मैं जाऊँ या ना जाऊँ। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, और वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। हैवी स्नोफॉल के चलते रास्ते हो गए बंद और मुझे रुकना पड़ गया दार्जिलिंग में ही। अब धीमी सी धूप थी, बस जरूरत थी तो कड़क चाय की। फिर क्या, फिर मैंने कॉल किया स्निग्धा को और खुन्नस मिटाने के लिए पहुंच गया एक रिहायशी कैफे में। Hey guys, what's up? तो अभी मैं आ गया हूँ ग्लेनरीज, और यहाँ पे सबसे पहले अपन का जो प्लान है वो ब्रेकफास्ट करने का है। और यार जो पीछे का व्यू इस जगह से है, दिस इज़ अ वेरी न्यू यू कैन से बहुत भाई पॉश काइंड ऑफ फील आपको देता है, जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज में होते हैं ना, एकदम सेक्सी से बिल्कुल। Today's plan is we are going to my hotel site. Okay. And we can see the eight peak of mountains, Kanchenjunga, very clearly from there. And after that. लेकिन उससे पहले मुझे बदलना था होटल, क्योंकि कल रात जो कुछ मेरे साथ हुआ उसके बाद वहाँ रुकना मुमकिन न था। भाई किसी तरीके भूतिया होटल से छुटकारा मिला है, और अभी मैंने एक चेक इन किया दूसरी प्रॉपर्टी पे, क्योंकि मैं उस जगह पे नहीं रह सकता था दोबारा। तो इस प्रॉपर्टी का नाम है ऑकडन रिजॉर्ट, यू कैन सी ओवर हियर। क्या दिख पा रहा है कैमरे में, साला कुछ दिखता ही नहीं। हाँ, आई एम जस्ट स्टेइंग एट ऑकडन रिजॉर्ट, और प्रॉपर्टी बहुत ही सुंदर है। और बेस्ट पार्ट इस प्रॉपर्टी का क्या है ना, व्यू मैं आपको दिखाता हूँ अभी। यू कैन सी यहाँ पे, मेरे को स्निग्धा ने बहुत सारी चीज़ें बताई कि वहाँ पे कहीं आर्मी कैंप है, और वहाँ पे कहीं जापानीज टेम्पल है, और 6 miles अवे सिक्किम स्टार्ट हो जाता है प्रॉपर सिक्किम। और वो जो सामने आप देख रहे हो, मैं आपको दिखाता हूँ, वो आप जो सामने देख रहे हो वो है असली वाला कंचनजंगा, समझ रहे हो भाई। कैमरे में कुछ दिख क्यों नहीं रहा है, दिस इज़ अ प्रॉपर कंचनजंगा रेंज विच आई कैन सी फ्रॉम माई प्रॉपर्टी। दिस इज माई बेड्स, ब्यूटीफुल चेयर पड़ी हुई है यहाँ पे, ये एंट्रेंस है, और ये हमारा भाई है। This is the best hotel of Darjeeling, in fact. I love this. Do you wanna say to the camera anything special about this property? Hi. There is amazing view of from this hotel, and every staff are so cute and so helping, and I love them. और होटल में चेक इन करने के बाद डिसाइड हुआ कि जाते हैं महाकाल टेंपल, क्योंकि अनजान शहर में दवा से ज़्यादा दुआ की ज़रूरत पड़ती है। Right now we are just going महाकाल टेंपल, बहुत चढ़ाई है, एकदम हिल गए हैं नीचे से आते हुए। रिजॉर्ट पे गए थे, दिखा चुके रिजॉर्ट, उसका तो महाकाल टेंपल जाते हैं, उसका देखते हैं इस निकदा क्या क्या दिखाती है मुझे। बाय बाय, सी यू सून। बहुत चढ़ाओगी, ऐसे कैसे चलेगा यार। यू हैव टू कुछ पाने के लिए कुछ देना पड़ेगा ना। अरे भाई कुछ पानी के लिए कुछ खोना पड़ेगा, नोट देना पड़ेगा, देना नहीं पड़ेगा ना। कुछ पाने के लिए, यू सेड रॉन्ग थिंग। लर्निंग हिंदी यार। ओके, नो प्रॉब्लम, आई कैन स्पीक हिंदी। या बट थोड़ा थोड़ा, बट थोड़ा थोड़ा, बट यू कैन नॉट स्पीक बंगाली यार। एक प्रॉमिस तो स्निग्धा से किया हुआ है कि उसको कुछ करूँ ना करूँ हिंदी जरूर सिखा दूंगा। बंगाली हाँ, बंगाली भी सीखूंगा, क्योंकि ऐसे काम तो चलेगा नहीं। शी इज़ प्लानिंग कि वो जिस ट्रिप में जाए हमें साथ में लेके जाए, तो ऐसे कैसे चलेगा ना स्निग्धा। या यू हैव टू स्पीक इन बंगाली आल्सो ना। ओके, अदरवाइज आई मेड न्यू फ्रेंड। यार ये जो महाकाल का टेम्पल है, एक अच्छी चीज़ मेरे को देखने को मिली कि हिंदुज़्म और बुद्धिज़्म बहुत तो कॉम्बिनेशन है, बिकॉज यहाँ पे लामा फ्लैग्स भी हैं, और या और द बेस्ट थिंग इज़ शी इज़ मुस्लिम, वो भी यहाँ पर है। तो ये जो
सेकुलर सेकुलर खेला जा रहा है यहाँ पे, बड़े मज़े आ रहे हैं यार कसम से, फाड़ है भाई। Oh, we are going to see another haunted hotel in Darjeeling, that is Pine Tree. Okay, that is Pine Tree. Yeah, this road will take us to the it Pine has Tree. Any story behind it? Yeah, whenever anybody turn off the light of that hotel room, they got slapped. Okay. By whom? Nobody knows. People doesn't want to be there. But the location then is very nice. Then where we are going? Because the location is very nice, you can see the whole Darjeeling from that. Okay, that's it. तो भैया इस वक्त लोकल दार्जिलिंग के मज़े लिए जा रहे हैं, अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ जाने के लिए। नाइटेंगल पार्क सुना यहाँ कहीं है लव बर्ड्स के लिए, तो सोचा वो भी देख लिया जाए। और मेरे पीछे पूरा दार्जिलिंग अभी मैं आपको दिखाता हूँ, जो देख रहा है जो पूरा वो सिटी है। ओके ओके ओके, आई कैन ईट। एंड बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मेरे को बताई कि यहाँ पे एक सामने एक पेड़ है, उस पेड़ में ना कुछ फ्रूट्स लगे हुए हैं और एक फ्रूट की कॉस्ट 500 रुपये है। और आई डिडंट नो कि मतलब क्या बोलते हैं इसको, यूनिको। आई विल सर्च ऑन द गूगल, आप भी सर्च करिए कि यूनिको है क्या एक्चुअली में। तो बाबा ये यूनिको है, और ये यूनिको क्या है मुझे नहीं मालूम है। और वो रहा पूरा दार्जिलिंग सिटी। बहुत ही स्मॉल सा कैफ़े है, यहाँ पे आके रुके हुए हैं कुछ खाने पीने के लिए। आई ऑर्डर्ड वेज चाउमीन। और यहाँ से जो व्यू है, यहाँ रुकने का रीज़न ये था, बहुत छोटा कैफ़े है, यहाँ पे रुकने का रीज़न ये था कि यहाँ से पूरा दार्जिलिंग दिख रहा है भाई साहब। सीन्स तो गर्म हुए पड़े हुए हैं यहाँ पर। शहरों की भाग दौड़ से बच के मन हमने भी गांवों से जोड़ लिया, तोड़ के दोस्ती मशीनों से कुछ दिन, रुख हमने भी पहाड़ों की तरफ मोड़ लिया। और इसी के साथ अलविदा लेते हैं इस सफ़र से, और वादा करते हैं कि फिर आएंगे एक नए सफ़र के साथ। तब तक आप मौज लो, रोज लो, और ना मिले तो खोज लो। पर सवाल पैदा होता है क्यों, और क्यों का जवाब है ये कहानी।